भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर मुश्किल में पड़ गई हैं। दरअसल मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में गवाह द्वारा प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल सहित उन 5 वाहनों की पहचान की गई है जो बम धमाके में इस्तेमाल किए गए थे। इस केस की सुनवाई मुंबई की एक विशेष अदालत में चल रही है और इसी दौरान जब मोटरसाइकिल और गाड़ियां गवाह के सामने लाई गई तो गवाह ने इन्हें पहचान लिया और उसने कहा कि ये वही वाहन है जिनका धमाके में इस्तेमाल किया गया था और इनमें से एक मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 8 सितंबर को मालेगांव में बम धमाके हुए थे और इसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और 120 से अधिक लोग घायल हो गए थे और इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर का नाम सामने आया था और ये बताया जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक का उपयोग बम धमाके में किया गया है। इस केस की सुनवाई में वकील और जज को भी कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोटरसाइकिल और अन्य वाहन ट्रक में लाए गए थे और इस मामले की सुनवाई 5वीं मंजिल पर चल रही थी। ऐसे में साइकिल और मोटरसाइकिलों को ऊपर ले जाना संभव नहीं था, इसलिए गवाह सहित जज, वकील और पुलिस कर्मियों को नीचे आना पड़ा। गवाह ने बम धमाके में उपयोग हुए वाहनों की पुष्टि कर ली है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर एक बार फिर गाज गिर सकती है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.